मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने ये कहा कि मुहर्रम के बाद सेक्रेटेट की मस्जिदों का काम शुरू होगा, और इन्होंने ये भी कहा कि पहले की मस्जिदें, अब इन्होंने कहा 600 कहा, अब वो 600 गज पे थी नहीं मालूम, फिर या 600 फीट था, 600 स्क्वायर फीट था नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने 600 कहा, अब 1500 पे बनेगी। और इन्होंने ये भी कहा कि हमारे नंबर वन CM साहब, अब ये नंबर वन CM साहब को बगैर मुसलमानों की इजाजत के अचानक मस्जिदें तोड़ने की जरूरत कैसे पड़ गई? और जो मस्जिदें तोड़ते हैं क्या वो नंबर वन CM होते हैं? अब ये सलीम साहब को मालूम। अब इसके लिए 2,90,00,000 रुपए सैंक्शन हुए, ये सलीम साहब का कहना है। और ये भी कहना है कि नक्शे बता रहे हैं, नक्शे इसके सब बन गए। अरे भाई, नक्शे तो 1 साल से बता रहे हैं, लेकिन मस्जिदें कब बनेगी? क्या फिर ये चॉकलेट दिया जा रहा है? इनका कहना यह है कि मुहर्रम के बाद फिर इसकी तामीर शुरू होगी। 1 साल से तो तारीखें मिल रही थी, अब ये नए जज साहब सलीम साहब बैठे हैं, अब ये कह रहे हैं कि मुहर्रम के बाद मस्जिदों की तामीर शुरू होगी। हालांकि किसी में ये हिम्मत नहीं है, मस्जिदें तुम तोड़े कैसा ये पूछने की हिम्मत नहीं है। और सलीम साहब को और हमारे होम मिनिस्टर साहब को ये पहाड़ा पड़ा दिया गया कि ये हमेशा बार बार ये कहते हैं नंबर वन CM, नंबर वन CM और सेकुलर CM, सेकुलर CM। अब अंदाजा लगाओ ये कितने सेकुलर है और कितने नंबर वन है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये RMB से भी जो है परमिशन सेक्रेटेड के मस्जिदों का होगा, 2,90,00,000 रुपये सेंक्शन हुए और वक्फ बोर्ड को भी फैलाई, वक्फ बोर्ड भी 2 दिन में क्लियर करके भिजा दिए। बलाला साहब जो MIM के, उन्होंने भी आए, उन्होंने भी प्लान हुए सब ये करके सब अप्रूव करे। और अल्लाह का करम ये है कि CM साहब खुद सीरियस लेके RMB को जो है ऑर्डर दिए और RMB से परमिशन होके वक्फ बोर्ड को आया, वक्फ बोर्ड भी परमिशन दे चुका है। और पहले 600 कुछ ज़मीन थी, अभी CM साहब 1500 तक ज़मीन जो है ना वक्फ बोर्ड के हवाले ये करें। और अल्लाह का करम ये है कि लोगों को कन्फ्यूजिंग थी कि मस्जिद का कब होता क्या है बोल के, मगर पेपर वर्क पहले होना है, उसके बाद अभी टेंडर बुलाएंगे, आर्किटेक्ट फाइनल होगा, प्लान भी बन गए पूरे। ये देखिए आप लोग, मस्जिद का मॉडल भी बन गया, हर चीज़ हो गई, कोई चीज़ की ये नहीं है, खाली टेंडर बुलाना है। आफ्टर मुहर्रम इंशाल्लाह ताला टेंडर बुलाएंगे और फाउंडेशन जो है उलमाए मशाकिन पॉलिटिकल सबको बुलाएंगे। ऐसा नहीं है कि मस्जिद सबकी है, सब लोग इंशाल्लाह ताला इसको पॉलिटिकल बेस मत बनाइए मस्जिदों को, क्योंकि CM साहब जो है जो बोलते वो करके दिखाते भी, थोड़ा लेट हुआ मगर एक अच्छी मस्जिद बन रही। 2,90,00,000 रुपये लगाकर गवर्नमेंट से, KCR साहब की तरफ से, गवर्नमेंट से, TRS गवर्नमेंट से 2,90,00,000 रुपये लगाकर ये मस्जिदें बन रहे, और एक छोटी मस्जिद एक बड़ी मस्जिद, और अल्लाह का करम है तो इसमें जो है असद साहब ओलों की भी नुमाइंदगी थी, डेलीगेशन एक नुमाइंदगी CM साहब से करे थे, उन सब की सपोर्ट से जो है हमारे को किसी को टारगेट बनाना नहीं है, हमको सबको लेके चलना है। और TRS MIMB अलायंस है, सब मिलके काम कर रहे सो है, और इंशाल्लाह ताला हमारे CM साहब जो है ये काम जो बोले 2,90,00,000 नहीं जितने लगते लगने दो बोल के CM साहब को जो वादा करते पूरा करते। और इंशाल्लाह ताला सेकुलर CM है, इंडिया में नंबर वन CM है ये, जो CM साहब जितने स्कीम्स जो अलाउंस करे, देख रहे होंगे आप लोग इमाम मौजनों को भी, स्कूलों को भी, टेम्परेरी स्कूलों का है, हर चीज़ जो जो CM साहब वादा करे पूरे काम हो रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, और इंशाल्लाह मस्जिद भी जल्द से जल्द जैसा सेक्रेटेड का काम होएगा वैसा मस्जिद का भी काम
रिनोवेशन रिकनेक्शन जो है ना, इंशाल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द करके मस्जिद को अच्छे पैमाने पे सेंट्रली ऐसी मस्जिद रहेंगी। दोनों मस्जिदें भी जो है, वो पुरानी मस्जिद तो एकदम खंडेर थी, वो भी जो है ना इंशाल्लाह अच्छी बन रही है। देखिए आप यहाँ पर हो और अंदर लान वान अच्छे तरीके से, वजू खाने, टॉयलेट्स वगैरह जो है एकदम फाइव स्टार टाइप में अच्छे नीटनेस जो है ना काम हो रहा होगा इंशाल्लाह ताला। और जिस दिन भी इसका फाउंडेशन वगैरह रहेगा आफ्टर मुहर्रम बुलाएंगे, बुला के जो है सीएम साहब के इंस्ट्रक्शन पे जो है ना कैसा कैसा करना है, सेग्रेटेड कोई कोई पार्टी भी रहो इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना, क्योंकि ऑलरेडी परमिशन आज सेंक्शन हो गए, बजट भी ये होगा। अब इसको अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द काम शुरू करा देंगे। एक खाना मस्जिद का पेंडिंग है, वो भी इंशाल्लाह ताला जो है उसका भी लिंगे, मगर ये पहले सेक्रेटेट का मस्जिद होगा, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे अपन। सेक्रेटेट का काम बड़ी तेजी से चल रहा, तो फिर इसके लिए अलग टेंडर क्यों बुलाया जा रहा था? ऐसा है, अब आपके घर में जो है एक घर बना रहे आप, तो फ्लोरिंग का टेंडर अलग रहता, बाजू की बिल्डिंग का अलग रहता, तीन टावर बनते, एक टावर का अलग देते परमिशन, एक टावर का दूसरे को देते, तो इसका आर्किटेक्ट अलग है, वो आर्किटेक्ट ये काम, वो कॉन्ट्रैक्टर ये काम नहीं कर सकता ना, मस्जिदों के कॉन्ट्रैक्टर अलग रहते, तो इसका टेंडर अलग बुला के अलग देंगे इसको, होगा पूरे परमिशन आ गए, आरएमबी से भी आ गया, मस्जिद वक्फ बोर्ड भी दे दिया, पूरा बजट सेंक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने दिन में तैयार है, कितना टाइम लगेगा? वो नेक्स्ट उसमें बताएंगे, अल्लाह चाहे तो सेग्रेटेड की ओपनिंग से पहले मस्जिदें भी रेडी हो जाएंगी इंशाल्लाह। क्या प्रोटेक्शन वक्फ लैंड से मसाजिद के या कमेटीज के जो तौलियत कमेटीज के जो डिसीजंस नहीं ले रहे हैं हम जल्दी, आप कमेटी में बोर्ड की मीटिंग में फाइल करेंगे, बोल के जो है मामले लेट हो जा रहे, कोई आ रहा कोई नहीं आ रहा, तो इसके तरफ से जो है काफी मसाइल खड़े हो रहे प्रोटेक्शन के लिए कमेटीज के लिए, तो इसके ऊपर आप क्या? मसाइल खड़े हो रहे बोले तो जो चीज समझ में नहीं आती अगर बोर्ड में आई तो उसको रुका देते हम लोग, फिर उसको डिटेल में जाके चेक करने के लिए मीटिंग बुलाते हैं, तो वो डिटेल अगर पूरी रिपोर्ट नहीं आई बाहर से, इंस्पेक्टर हो या जो भी ऑफिसर रिपोर्ट नहीं दिया, तो फिर मीटिंग बुला के फ़ायदा नहीं है ना, तो इसलिए पूरा डिटेल रिपोर्ट लेके फिर जब तौलियत में रखते, तौलियत से फिर बोर्ड में आती हो, तो हमको रिपोर्ट आई नहीं हो, वो रिपोर्ट जैसा आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला बुला लेंगे। तो वहाँ पर भी ऐसी था, वो लोधे जो ना आने नहीं दिए, नमाज चालू कर दी, मेन हजरत से पुलिस है, तो गवर्नमेंट की छूट थी, बल्कि ये किया है एक तरीके से जाना है, जोश में आके पुकारा एडवर्टाइज पेपरों में मीडिया में, बोले तो एक काम भी नहीं होता कुछ इसका, खाली सेल्फ अपना वाहवा करने के लिए करने का रहता हो, इसलिए मैं मुस्ताक भाई धरना वरना करने वाले थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।